नमस्कार, हमारे किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम फ्राइड राइस बनाएंगे। ये देखिए, आधा घंटा पहले हमने स्टोव में चावल को भिगा के रखा था और ये चावल को हमने बहुत अच्छे पानी में चार पांच पानी से धो के और ये स्टोव में हम वापस डाल रहे हैं। ये मैंने 200 ग्राम चावल लिया है और इसमें हमने 400 ग्राम पानी डाला है। ये एक टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। ये अगर चावल आपके नए हो तो आप 350 ग्राम पानी डालिए। और अब इसमें हम ये हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। ये चावल तो हमने रख दिया है बनाने को और चावल में जो लगने वाली सब्जियां हैं, आइए इन सब्जियों को भी एक बार देखते हैं कौन सी सब्जियों की आवश्यकता है। ये है 125 ग्राम पत्ता गोभी है, जिसको हमने लंबा लंबा करके काट के रखा है। ये एक बड़ा प्याज है, इसको भी हमने इसी तरह से लंबा करके काट के रखा है। ये भी एक बड़ा शिमला मिर्ची है, इसको भी हमने लंबा करके काट के रखा है। और ये एक मीडियम साइज़ की गाजर है, इसको भी हमने इसी तरह से लंबा करके काटा है। आप चाहो तो इसको चौकोन भी काट सकते हो। ये है लहसुन और हरी मिर्ची है, ये चार कली लहसुन की है, तीन हरी मिर्ची है। चावल को हम दूसरी साइड में पकाएंगे। और अब देखिए, ये मैंने गैस स्टार्ट करके कढ़ाई गरम करने को रख दिया है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये तेल जैसे गरम होगा तो ये लहसुन और ये हरी मिर्ची है, ये हम तेल में डालेंगे। फ्राई करने से लहसुन का कच्चापन निकल जाता है। और अब ये हमने प्याज डाल दिया है, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ये सारी सब्जियों को हम तेज आंच पे ही सौते करेंगे। और अब इसमें हमने ये गाजर भी डाल दिया है। बस थोड़ा सा आप अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। ये पत्ता गोभी भी हम इसमें डाल देंगे। और ये शिमला मिर्ची भी हमने डाल दिया है। सब्जियाँ आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो इसमें फ्रेंच बीन डाल सकते हो, आप हरे मटर डाल सकते हो। और अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून अजीनोमोटो डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, अगर आप ना चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये फिर से हम इसको सारी सब्जियों को एक बार फिर से हम चलाएँगे। ये आधा टीस्पून हमने नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और ये जो फ्राइड राइस हम बना रहे हैं वो 2 से 3 लोगों के लिए है। अब इसमें हम ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। ये 1 टेबलस्पून विनीगर है, अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप आधा नींबू डाल सकते हो। और ये 1 टेबलस्पून टमाटो केचप है, अगर आपके पास टमाटो केचप भी ना हो तो आप 1 टेबलस्पून शक्कर भी डाल सकते हो। और ये आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची डाला है, ये तीखी लाल मिर्ची है, अगर आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो। अब इन सारी सब्जियों को हमें एक बार फिर से मिक्स करना है। इन सब्जियों को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, ताकि थोड़ी सी सब्जियां कच्ची रहे और वो सब्जी चावल में पकेगी। तो 2 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पे रखा है। ये आप देख रहे हो, चावल पक गए हैं, हमने गैस बंद कर दिया है। ये सब्जियां भी अच्छी तरह से पकी है। और अब ये चावल जो हमने पकाए हैं
ये हम इस सब्जियों में डाल देंगे। अगर आप चाहो तो चावल आप पहले भी पका के अब रख सकते हो। बस अब इन सब्जियों को और चावल को हमें मिक्स ही करना है, क्योंकि ये चावल भी पके हुए हैं, सब्जियां भी पकी हुई है। बस थोड़ा सा हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये चावल मिक्स हो गए हैं। अभी इसमें हमने एक मिनट के लिए हम ये धीमी आंच पे रखेंगे। ये देखिए एक मिनट हो गया है, हमारे फ्राइड राइस तैयार है। ये देखो कितने अच्छे से इसका कलर आया है और ये चावल एकदम खिले खिले से है। ये हमने गैस बंद कर दिया है। तो ये बन गए हमारे फ्राइड राइस। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।